एक बार फिर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनका दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेरणादायक संदेश। मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, अलग अलग राज्यों से आए और संस्थानों से आए प्रतिनिधिगण, आयुष्मान भारत के साथ जुड़े सभी साथी तथा यहाँ पर आए हुए सभी लाभार्थी, भाई और बहनों, आज तीसरा नवरात्र है। आज माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि 10 भुजाओं वाली देवी चंद्रघंटा चंद्रमा की शीतलता और सौम्यता लिए संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती है। भारत के 50 करोड़ से अधिक गरीबों की पीड़ा को हरने वाली आयुष्मान भारत योजना के पहले वर्ष पर चर्चा का इससे बेहतर संयोग भला क्या हो सकता है। साथियों, आयुष्मान भारत का ये पहला वर्ष संकल्प का रहा है, समर्पण का रहा है, सीख का रहा है। ये भारत की संकल्प शक्ति ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम हम भारत में सफलता के साथ चला रहे हैं और इस सफलता के पीछे समर्पण की भावना है, सद्भावना है। ये समर्पण देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का है। ये समर्पण देश के हजारों सरकारी और निजी अस्पतालों का है। ये समर्पण हर कर्मचारी, हर मेडिकल प्रैक्टिशनर, आयुष्मान मित्र, आशा वर्कर, सामाजिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों, यानी सबका है। भाई और बहनों, इसी समर्पण के कारण ही आज देश विश्वास से कह रहा है, गर्व से कह रहा है, साल एक आयुष्मान अनेक। देश भर के गरीब 46 लाख गरीब परिवारों को बीमारी की निराशा से स्वस्थ जीवन की आशा जगाना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। इस एक वर्ष में अगर किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ लाभार्थियों से मुझे बात करने का अवसर मिला। बीते एक वर्ष में यहां तक कि चुनाव के दौरान भी मैंने देश भर में ऐसे तमाम साथियों से संवाद करने का लगातार प्रयास किया है। उनसे बातचीत करने पर ही आपको अनुभव होता है कि आयुष्मान भारत, पीएम जय गरीबों के जीवन में क्या परिवर्तन ला रही है। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। जब गरीब का बच्चा स्वस्थ होता है, जब घर घर का एकमात्र कमाने वाला स्वस्थ होकर फिर काम पर निकलता है, तब आयुष्मान होने का अर्थ
समझ में आता है और इसलिए आयुष्मान भारत पीएम जय की सफलता के लिए समर्पण करने वाले समर्पित हर व्यक्ति हर संस्था के साथ देश के गरीब करोड़ों गरीबों की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। इस महान कार्य में जुटे हर साथी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भाई और बहनों, संकल्प और समर्पण के साथ साथ इस पहले वर्ष में हमने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अभी यहां आने से पहले मैंने प्रदर्शनी के माध्यम से एक वर्ष की यात्रा को भी देखा है, कैसे समय के साथ हमने हर चुनौतियों को दूर किया है, तकनीकी रूप से निरंतर विस्तार किया है, हर स्टेक होल्डर से निरंतर संवाद बनाए रखा है, शंकाओं और आशंकाओं को दूर किया है। सीख का, संवाद का, सुधार का यह सिलसिला आगे भी निरंतर चलता रहेगा। साथियों, इस योजना की रीच को, मॉनिटरिंग को कैसे प्रभावी बनाया जाए, लाभार्थियों के लिए कैसे इसको सुगम बनाया जाए, अस्पतालों की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर यहां दो दिन दरमियान विस्तार से चर्चा हुई है। क्वालिटी से लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग तक यहां खुलकर विचार रखे गए हैं। विशेष तौर पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर यानी इस योजना का दायरा हर परिवार तक कैसे लागू हो, इसको लेकर देश के कुछ राज्यों ने जो अपने अनुभव साझा किए हैं उन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह हम सभी का दायित्व है कि हर गरीब के लिए, हर देशवासी के लिए मुश्किल समय में अस्पताल के दरवाजे खुले रहने चाहिए, बेहतर इलाज उपलब्ध होना चाहिए। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये देश के सामान्य मानवीय के, गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में गरीब को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के प्रयास पहले भी हुए हैं। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सीमित स्तर पर हर संभव कोशिश की है। राज्यों की तमाम सद्भावनाओं के बावजूद ना तो गरीबों को वो लाभ मिल पा रहा था और ना ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई सुधार हो पा रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया, यानी अच्छी अस्पताल में जाना उसने उचित माना। भाई और बहनों, देश का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए अपने घर, अपने जिले, अपने राज्य से दूर नहीं जाना चाहता। ये कदम मजबूरी में ही उठाना पड़ता है। देश के हर नागरिक को घर के पास ही बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए हर राज्य प्रयास कर रहे हैं। ये भी सच है कि देश के उन हिस्सों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, वहां दबाव
जरा अधिक है, लेकिन ये हर भारतीय का दायित्व है कि देश का कोई भी नागरिक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। आयुष्मान भारत इसी भावना को मजबूत कर रही है। साथियों, आयुष्मान भारत संपूर्ण भारत के लिए सामूहिक समाधान के साथ साथ स्वस्थ भारत के समग्र समाधान की भी योजना है। ये सरकार की उस सोच का विस्तार है जिसके तहत हम भारत की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय समग्रता में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुझे भारत की बात बताने का अवसर मिला। भारत में हेल्थ केयर को लेकर जिस प्रकार होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है, जिस स्केल पर काम हो रहा है, और दुनिया के लिए एक अजूबा है, हैरान है दुनिया। भाइयों और बहनों, संयुक्त राष्ट्र में मौजूद दुनिया भर के प्रतिनिधियों को मैंने बताया कि कैसे हम स्वस्थ भारत को चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा कर रहे हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। दूसरा, एफोर्डेबल हेल्थ केयर। तीसरा, सप्लाई साइड का सुधार। और चौथा, राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसे मिशन मोड इंटरवेंशंस का है। पहले स्तंभ की अगर बात करें तो आज स्वच्छता, योग, आयुष, टीकाकरण और फिटनेस पर बल दिया जा रहा है ताकि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां कम से कम हो। इतना ही नहीं, पशु के कारण भी फैलने वाली बीमारियां मनुष्य को परेशान करती है, और इसलिए इस बार हमने एक मिशन मोड में काम उठाया है। पशुओं में फुट टू माउथ जो डिसीज है, उस बीमारी से हिंदुस्तान को मुक्त करना, यानी पशु की भी चिंता, उसको भी हम भूले नहीं है। मैंने वहां दूसरे स्तंभ की बात की। दूसरा स्तंभ यानी देश के सामान्य जन को उत्तम और सस्ता इलाज मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इन दो स्तंभों को आयुष्मान भारत योजना बहुत मजबूती दे रही है। चाहे वो देश भर में 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का काम हो, या फिर हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, आयुष्मान भारत ही की भूमिका अहम है। साथियों, आयुष्मान भारत हमारे तीसरे स्तंभ यानी सप्लाई साइड की मजबूती भी ठोस आधार बना रही है। आयुष्मान भारत से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की डिमांड से बढ़ोतरी हो रही है। अब वो गरीब मरीज भी अस्पताल पहुंच रहा है जो कभी इलाज के बारे में सोचता तक नहीं था। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की तो वो कल्पना तक नहीं कर सकता था। आज पीएम जय की सेवा देने वाले 18,000 से अधिक अस्पतालों में से करीब 10,000 यानी ऐसे आधे से अधिक अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में है। आने वाले समय में ये भागीदारी और बढ़ने वाली है। साथियों, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे देश में छोटे शहरों में आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है। आने वाले समय में अनेक नए अस्पताल बनने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। एक अनुमान के अनुसार आने वाले 5-7 वर्षों में सिर्फ आयुष्मान भारत योजना से पैदा हुई डिमांड के कारण ही करीब 11 लाख नए रोजगार निर्मित होंगे। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ रेलवे ही इससे ज्यादा रोजगार का निर्माण करता है। भाई और बहनों, रोजगार की इन संभावनाओं के लिए हमारे युवा साथियों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया जा रहा है और पॉलिसी में निरंतर सुधार किया जा रहा है। एक तरफ देश में मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें
एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। देश भर में 75 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला हो या देश में नए नेशनल मेडिकल कमीशन का निर्माण, इससे मेडिकल सेक्टर को निश्चित लाभ होने वाला है। नेशनल मेडिकल कमीशन से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिलेगी, उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा और करप्शन की शिकायतें दूर होगी। साथियों, आयुष्मान भारत योजना को भी यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे बताया गया है कि इससे जुड़े आईटी सिस्टम को पीएम जय 2.0 के रूप में अपग्रेड किया गया है और इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। आज जो ऐप लॉन्च किया गया है उससे लाभार्थियों को बहुत मदद मिलने वाली है, लेकिन साथ ही इस योजना को अधिक सक्षम, अधिक व्यापक बनाने के लिए हमें अभी और तकनीकी समाधानों की जरूरत है। आयुष्मान भारत के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रभावी और सुगम सिस्टम की जरूरत है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर बड़े अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर तक डायग्नोसिस, रेफरल और फॉलोअप केयर का एक तकनीकी आधारित सिस्टम हमें विकसित करना है। हमें उस स्थिति की तरफ बढ़ना है जहां गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दर्ज किसी भी व्यक्ति का हेल्थ डेटा उस व्यक्ति की बीमारी के डायग्नोसिस में काम आए। यही डेटा बड़े अस्पताल के लिए रेफर करने पर आगे के इलाज में प्रभावी भूमिका निभा सके, इसके लिए हम सबको सोचना होगा, नई पीढ़ी के लोगों को जोड़ना होगा। साथियों, इसके लिए आज लॉन्च किया गया पीएम जय स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज अहम भूमिका निभाने वाला है और मैं देश की युवा शक्ति को, खास करके आईटी प्रोफेशनल से आग्रह करूंगा कि ये मानवता का काम है, इस चैलेंज को आप ही उठा लीजिए और आने वाले समय में आप एक उत्तम सॉल्यूशन लेकर के आइए। इसके माध्यम से देश भर में हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आयुष्मान भारत से जोड़ा जा रहा है। मैं देश के सभी युवा एंटरप्रेनर्स को, इनोवेटर्स को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए फिर से एक बार आमंत्रित करता हूं। भाई और बहनों, न्यू इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम वाकई पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला है। इसमें भी आयुष्मान भारत योजना का बहुत बड़ा योगदान होगा। देश के करोड़ों जनों को आयुष्मान बनाने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हो, हमारे हर प्रयास सफल हो, इसी कामना के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।